गुस्सा शैतान से और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है, और जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो उसको उधकार लेना चाहिए। बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ यह है कि इंसान किसी गैर मौजूदगी के लिए गाइबाना दुआ करे। अफजल जिहाद हक बात हाकिम के मुंह पर कहना है। किसी शहद के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। ईमानदार वो है जिससे लोग अपने माल और जान महफूज समझे। ऐसी नेमत किसी को कभी नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। तीन आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला रोज़े क़यामत देखेगा भी नहीं। वालिदैन का नाफरमान, मुस्तकिल शराब पीने वाला, एहसान जताने वाला, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना सदका है। इंसाफ की एक गाड़ी सालों की इबादत से बेहतर है। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं देता। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुना पर फख्र करेंगे। कियामत के दिन मेरे नजदीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दूध बेच देते। जो मोमिन लगातार बीमार है उसको बख्श दिया जाता है। जो दर जहमोश की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। सिर्फ तीन जगह पर झूठ बोलना जायज और हलाल है। आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राजी कर ले, जांग में झूठ बोलना और लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना।